तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो भाई लोग, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप जो है आपकी लाइक और आपके जो केडी रेट है जो आपके आईडी का, उसे आप आसानी से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लाइक के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको केडी रेट के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले लाइक में आपको मैं कुछ सिंपल टिप्स देता हूँ, उसके बाद मैं एक आपको बूस्ट टिप दे दूंगा जिनको फॉलो करके आप जो है 150 से 100 लाइक पर दिन ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि यार, अगर अपन किसी की प्रोफाइल के ऊपर विजिट करते हैं, अगर किसी की गेम आईडी देखते हैं, तो उस बंदे के अगर लाइक ज्यादा है, उसका लेवल अच्छा है, तो वो प्रोफाइल काफी अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि लाइक क्यों नहीं मिलते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो मैं बता दूं कि अगर आपका लेवल कम है और खेलते बहुत अच्छे हो, तो बंदे बहुत ही कम ऐसे बंदे होते हैं जो आपको लाइक देते हैं। तो इसके लिए आप जो है वॉल्यूट में कलेक्शन में जाके, वहां से बैनर में जाके आप जो है वहां से शो माई रैंक कर सकते हो। अगर आपका लेवल कम है और रैंक ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका रैंक स्कोर अच्छा है, तो वहां से आप लेवल को हटा के वहां पे बंदों के सामने रैंक शो कर दोगे। अगर कोई बंदा, अगर आपको, आप जो किसी बंदे को मारेंगे या फिर पूरा स्क्वाड खत्म करते हो, तो उन बंदों के सामने आपकी रैंक शो होगी, जिससे उन बंदों के ऊपर एक अलग इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको लाइक वहां पे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे टिप्स की बात करूं, तो कुछ ऐसे यूनिक बंडल अपने फ्री फायर के अंदर अवेलेबल है जो बहुत ही कम बंदे के पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि लक रॉयल में कोई ऐसा बंडल आता है जो आपको मिलता है, बहुत कम बंदों को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही ऐसे बंडल होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, तो उन बंडल को अगर पहनकर आप जो है गेम खेलते हो, तो वहां पे आपको लाइक मिलने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज होती है वो है इमोट, यानी कि आप जो है एक स्क्वाड को खत्म किया और आप जो है उनको बाय का इमोट बता रहे, उनको अलग से मतलब ऐसा फील करवा रहे कि आपने उनको मारा है, ऐसा अपील कभी भी नहीं करवाना बंदों को। अगर आप उन बंदों को बाय का इमोट बताते हो, या मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अब उन बंदों की भावना के साथ जुड़ना है आपको कि हमने आपको मारा है, इस टाइप से नहीं मारा कि बिल्कुल एक दुश्मनी टाइप से, ठीक है, अब दोस्ती की टाइप से मारा, इस टाइप से। तो उनको इमोट जो है या तो आप क्लिप कर सकते हो, उठक बैठक कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छा चीज़ होती है कि अगर आप किसी स्क्वाड को मारते हो, तो आपका पेट आपको लाइक दिलवा सकता है। अब वो कैसे, तो मैं बता दूं कि आप जो है आपका पेट का नाम कुछ और रख सकते हो, जैसे कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर, कुछ इस टाइप के नाम अगर आपके पेट के रखोगे और उन बंदों को बताओगे, उनका जब आपका पेट आपके सामने रहता है, साथ रहता है, तो उन बंदों को आपके पेट का नाम भी शो होता है। ठीक है, तो वहां पे आप जो है अगर पेट का नाम बताते हो, तो बंदों के ऊपर एक अलग इफेक्ट पड़ता है और वहां से वो आपको लाइक देने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मेन टिप, अगर बूस्ट टिप की बात करूं मैं, तो आप जो है कैसे आपके डेली के लाइक ज्यादा एकदम से बढ़ा सकते हो। तो मेन चीज होती है कि आपका स्क्वाड है, 3-4 बंदे आप गेम खेलते हो, या फिर 8-10 बंदे आपके जो फ्रेंड लिस्ट में है, जो कि आपके साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, तो वहाँ से आप खुद का एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना सकते हो। और सबसे बेस्ट टिप होती है लाइक बढ़ाने के वर्सेस। ठीक है, अगर आप जो है जितना ज़्यादा वर्सेस खेलोगे, वहाँ पे आपके ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लाइक मिलने के चांसेस होते हैं। वो क्यों, क्योंकि आपके फ्रेंड जब गेम में आते हो, तो आप उनको किल करते हो, तो आप ओबियसली उनको लाइक देते हो, या फिर वो उनको आपको लाइक देते हैं। तो अगर आप जो है उनके साथ वर्सेस खेलोगे, अब बहुत सारे बंदों के मन में भाई सवाल होगा कि भाई वर्सेस क्या होता है, तो मैं बता दूं कि आप जो है डिस्कॉर्ड के साथ उनसे जुड़ के बातें कर सकते हो। इसके अलावा आप गेम अगर खेलते हो डिस्कॉर्ड पे जुड़कर, तो आप जो है जैसे कि हम खेलते हैं वर्सेस डियो ऑटोमैच ओप, और एक साथ आप डिस्कॉर्ड में एक साथ बातें करो और उसी टाइम बोलो कि भाई इसी टाइम पर अपने को एकदम से गेम स्टार्ट करना है 8-10 बंदों को। तो बहुत सारी बार क्या होता है कि एक ही लॉबी के अंदर सारे बंदे आ जाते हैं बिना कस्टम के, कस्टम के लाइक कभी भी अपने जो आईडी है वहां पे जुड़ते नहीं है। तो बिना कस्टम के आप जो है एक साथ जुड़ जाते हो, तो इससे ये फायदा ये होता है कि आपका जो फ्रेंड आते हैं, अगर आप उनको किल करते हो, तो वो आपको लाइक देते हैं। अगर 8-10 गेम भी अगर खेलते हो आप, तो वहाँ से आसानी से 20-25 लाइक ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेन जो चीज़ होती है आप केडी रेट की, तो केडी रेट जो है बंदे की खेलने का तरीका बताती है, या फिर बंदा कैसा खेलता है ये बताता है। ठीक है, केडी रेट प्लस पर जो मैच होता है, डैमेज होता है, वो कोई नहीं देखता है, बट केडी रेट बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। अगर आप किसी एक अच्छे गिल्ड को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे बंदों का केडी रेट देखा जाता है, लेवल देखा जाता है, उसके लाइक देखे जाते हैं, ना? तो केडी रेट अब बढ़ता कैसे है वो मैं बता देता हूँ। तो भाई लोग, सबसे मेन चीज़ होती है कि केडी रेट, अगर आप सोचते हो कि केडी रेट किल पर रेट, ऐसा अगर आप सोचते हो कि आप जो है किल करोगे तो आपके जो केडी है वो बढ़ेगा, तो ये गलत है। केडी अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको मैच विन करो जितने हो सके। अगर आप 10 किल करते हो, और अगर एक मैच, अगर 5 किल करते हो सॉरी, और अगर एक मैच विन करते हो, तो जो मैच विन करोगे वो ज़्यादा आपको फायदा होगा। अगर आप जो है लगातार 10 मैच विन कर लिए और उन 10वें मैच में आपने 5-5 किल किए, तो आपसे 1-2 डायरेक्ट केडी रेट आपका बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से आप जो है
मैच की विन की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, अगर कील को छोड़कर अगर मैच विन की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका जो केटी है वो एकदम से इंक्रीज होगा। ना कि अगर आप सोचते हो कि मैं एक गेम में 10 किल कर दूंगा और आप फर्स्ट में उतरते ही मर गए और 10 किल कर लिए, तो वो आपके केटी रेट को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा जितना आप जो है 10 किल करके मैच को विन करते हो तो आपका केटी रेट एकदम से बूस्ट होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको भाई लोग कि लाइक जो है वो आपको कैसे बढ़ाना है। आपका पेट आपको लाइक दिलवा सकता है, आपका खेलने का तरीका आपको लाइक दिलवा सकता है, आपका जो नाम है ठीक है वो आपको लाइक दिलवा सकता है। अगर ऐसा नहीं है कि आपने नाम में बहुत सारे झंडे गाड़ रखे हो, इस टाइप के जो नूबड़े टाइप के नाम होते हैं उनको भी आपको नहीं रखना है, आपको बस एक यूनिक नाम रखना है और हो सके तो आपको जितना हो सके उस पेट का जो नाम होता है उसका सपोर्ट लेना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो भाई लोग, ठीक है।